दोस्तों 10 दिसंबर 2021 दिन है मानव अधिकार दिवस और होगा भोपाल में एक बहुत बड़ा और विशाल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं पद वृद्धि से संबंधित बहुत ही बड़े आंदोलन की। दोस्तों 2-3 साल पहले रंजीत कौर जी, ममता निगम जी के द्वारा एक सक्रिय आंदोलन के रूप में, जहां पर कि बहुत से कैंडिडेट्स को जोड़ते हुए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और अभी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी अभी तक माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दी है और दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है डीपीआई और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार का जो आंदोलन किया जाएगा, मांग पत्र में जो जो मुद्दे रखे जाएंगे उसमें इस काउंसलिंग में पद वृद्धि के साथ में ही भर्ती की जाए। तो दोस्तों इसी के संबंध में बहुत पहले से आंदोलन किए जा रहे थे, 10 दिसंबर की रूपरेखा बनाई जा रही थी और दोस्तों इसका जो आगाज है, इसकी जो गूंज है, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, गांव-गांव में, शहर-शहर में पूर्ण रूप से व्याप्त है और इसकी सरगर्मी हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज फिर से एक और लेटेस्ट अपडेट है और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करें। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे थे लेटेस्ट अपडेट की, तो महिला शक्ति एक बार फिर से जागृत हो चुकी है। इसके पहले मैंने आप लोगों को ममता निगम जी का संदेश बताया था और एक बार फिर से जीतू पटवारी जी को ज्ञापन दिया है ममता निगम जी और उनकी टीम के द्वारा और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महिला शक्ति काफी प्रखर तरीके से आगे बढ़ रही है और लगातार उनके द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि आप पिक्स के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन्होंने दोस्तों ज्ञापन भी दिया है, तो वो ज्ञापन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि मैं कई बार उस ज्ञापन के बारे में बातचीत कर चुका हूं, तो ये ममता निगम जी हैं और जीतू पटवारी जी को ये ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों विशेष बात ये है कि वर्ग एक और वर्ग दो दोनों के विषयों में पदों की वृद्धि की मांग इसमें की गई है और इसके पूर्व मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो है विधायक जी को, इंदौर के विधायक थे, उनको ज्ञापन दिया गया था और 2000 पद सब विषय में बढ़े ऐसी उनसे चर्चा की गई थी। तो जीतू पटवारी को यह ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, मैं पहले भी शिक्षक भर्ती पद वृद्धि से संबंधित मांग उठाता रहा हूं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से इसको उठाया जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम ये थोड़ा सा ज्ञापन का एक प्रारूप और उसके बाद हम और आगे बात करेंगे कि विधानसभा में किस प्रकार से मची है शिक्षक भर्ती की धूम और क्या क्या जानकारी मांगी गई है विपक्ष के द्वारा। तो लगातार दोस्तों बीजेपी पर हमला बना हुआ है, तो सबसे पहले हम ज्ञापन देख लें फिर मैं विधानसभा की बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों ये ज्ञापन का प्रारूप है, हालांकि मैं कई बार आप लोगों को इसके संबंध में बता चुका हूं कि ये जीतू पटवारी जी को संबोधित किया गया है और ये ज्ञापन दिया है ममता निगम जी ने अभी हाल ही में और वर्ग एक और दो दोनों पदों की वृद्धि की मांग की गई है, मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षक हैं। यहां हमने देखा कि 5670 कुल पद थे और केवल अंग्रेजी, संस्कृत और गणित में ही इन पदों की संख्या सिमट करके रह गई है और चार विषय जो बचे हुए हैं, सोशल साइंस, हिंदी, विज्ञान और उर्दू, इनमें नाम मात्र के पद निकल करके सामने आए हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों कुछ सब्जेक्ट वर्ग एक में भी ऐसे ही हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ज्ञापन का एक प्रारूप बताया और चलिए अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा की कि किस प्रकार से जो है विधायकों के द्वारा लगातार विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। तो एक आप लोगों को मैं उसकी झलक दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न दिख रहे हैं और इनका जवाब कुछ सीमित समय में पक्ष को देना है, यानी कि बीजेपी को देना है। विधानसभा में विधायकों के द्वारा शिक्षक भर्ती संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं कि पदों की संख्या कितनी रिक्त है, टोटल कितने अतिथि शिक्षक और परमानेंट शिक्षक कार्य कर रहे हैं, है ना, अभी तक भर्ती प्रक्रिया की क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, इत्यादि कई ऐसे सवाल हैं शिक्षकों से संबंधित और आगामी क्या कार्य विधि है आगे की, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का क्या प्रोग्राम है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, जो कि मुख्य रूप से मेशराम जी हैं, बघेल हैं, वर्मा जी हैं, योगेंद्र सिंह हैं और भी जो विधायक हैं विपक्ष के, सभी के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए हैं। तो आप लोगों को मैंने एक झलक बताई कि किस प्रकार से जो है शिक्षक भर्ती की धूम विधानसभा में मची हुई है। चलिए दोस्तों ये तो बात हुई कि ममता निगम जी का प्रयास और उसके बाद हमने विधानसभा की स्थिति भी देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण संदेश की जो कि ममता निगम जी ने दिया है, मुख्यमंत्री के नाम पर भी संदेश है, इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री के नाम पर भी संदेश है। तो 2 मिनट का ये वीडियो है, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी इस वीडियो को देख लें और उसके बाद हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको ममता निगम का सादर प्रणाम, सादर नमन। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2018 में आपके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा
आयोजित की गई थी जो कि 30,000 पदों पर होना थी, लेकिन ये पद घटते घटते मात्र 24,200 रह गए। मामा जी, जब पदों का वितरण हुआ तो चार विषयों के साथ बहुत ही अन्याय किया गया। ये विषय हैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उर्दू, जिन्हें नाम मात्र पद दिए गए 100, 50, 60 और 18। इन पदों में वृद्धि के लिए हम पूरे प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार शांतिपूर्ण आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में किसी ने भी हमारी दर्द, हमारी पीड़ा, हमारी पुकार को नहीं सुना। मामा जी, आज वर्तमान में 24,200 में से मात्र 12,000 पदों पर ही शिक्षकों की भर्ती हुई है। अब भी 12 से 13,000 पद खाली हैं। यदि हम वेटिंग क्लियर करते हैं तो भी 6 से 7,000 पद खाली जाते हैं। मामा जी, मैं आपसे गुहार करती हूँ, विनती करती हूँ कि जो 6-7 हज़ार पद खाली जा रहे हैं, इन्हें आप इन चारों विषयों में समायोजित करें। साथ ही हर विषय के 2-2 हज़ार पद अलग से बढ़ाएं। अलग से क्यों बढ़ाएं? क्योंकि पूरे प्रदेश में 91,000 पद खाली हैं, और ये डाटा हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी दे चुके हैं। मामा जी, पदों में वृद्धि कीजिए और चारों विषयों के साथ आप न्याय कीजिए, अन्यथा हमें अब उग्र आंदोलन करना होगा, और इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, शासन रहेगा, प्रशासन रहेगा, और प्रदेश का वो हर उच्च अधिकारी रहेगा जिनके पास हमने पदों में वृद्धि के लिए गुहार लगाई, लेकिन हमारी वेदना को किसी ने नहीं समझा। और मैं साथ ही पूरे प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों से, युवाओं से आह्वान करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे पद वृद्धि आंदोलन को सफल बनाए, ताकि हमें न्याय मिल सके, वरना भविष्य में आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जिस तरह से आज हम तकलीफ में, आप भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।